नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगली योजना महत्वपूर्ण बात करें राजस्थान के संदर्भ में, वन विभाग की योजना है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना की बात करते हैं, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदय ने 1 अगस्त 2021, याद रखिएगा 1 अगस्त 2021, ठीक है, को अपने निवास पर गिलोय का पौधा लगाकर घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमे के पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। याद रखना कितने पौधे, 4। देखिए क्वांटिटी क्वालिटी 4 होगी, लेकिन क्वालिटी 8, मतलब क्वालिटी 4 होगी, क्वांटिटी 8 होगी, यानी कि प्रकार कितने होंगे, पौधे 8 दिए जाएंगे लेकिन प्रकार 4 होंगे। याद रखना प्रत्येक प्रकार का पौधा 2 दिए जाएंगे, ठीक है। बात करें योजना में प्रदेश भर के 518.78 लाख औषधीय पौधे लगभग 65 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। वर्ष 2023-24 के से इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 8 पौधे दिए जाएंगे एक परिवार को। साथ ही परिवार को 4 प्रकार के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधों के स्थान पर किन्हीं भी 2 प्रकार के 4-4 पौधे लेने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, 8 पौधे कोई भी होंगे, ठीक है ना। पौधे का वितरण यथासंभव वन विभाग की नर्सरियों से किया गया। वर्ष 2022-23 में 127.01 लाख पौधों का वितरण किया गया। घर घर औषधि योजना के दायरे को परिवर्तित करते हुए वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में चला जाना प्रस्तावित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।